बाड़मेर जैसलमेर से कैलाश चौधरी को मिला टिकट। कैलाश चौधरी ने जोर शोर से चुनाव प्रचार के साथ जीत का लिया संकल्प। लंबे इंतजार के बाद आखिर बाड़मेर जैसलमेर सीट पर बीजेपी ने कैलाश चौधरी को अपना उम्मीदवार बना ही दिया है। लंबी जद्दोजहद के बाद घोषित हुए कैलाश चौधरी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। उल्लेखनीय है कि कैलाश चौधरी बायतू से विधायक भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। कैलाश चौधरी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और उनकी संपूर्ण बाड़मेर जैसलमेर में मजबूत पकड़ है। कैलाश चौधरी धरातल से जुड़े हुए हैं और अपने क्षेत्र की मजबूत पकड़ हैं और उनके समाधान के लिए भरसक प्रयत्न भी करते रहते हैं। कैलाश चौधरी ने बाड़मेर जैसलमेर के साथ साथ किसान मोर्चा के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में भी कई बड़े कार्यक्रम कर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। कैलाश चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनहित में किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। जयपुर में हुए बीजेपी के किसान मोर्चा के कार्यक्रम हों चाहे सामाजिक सरोकारों के कार्यक्रम हों, कैलाश चौधरी हमेशा अग्रणी भूमिका में रहे हैं। सीमावर्ती इलाका होने के नाते बाड़मेर जैसलमेर में सुरक्षा का मुद्दा प्रथम है और यहाँ की जनता का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही देश सुरक्षित है, इसलिए वहाँ से बीजेपी के कैलाश चौधरी का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। कैलाश चौधरी के नामांकन रैली भी ऐतिहासिक होने जा रही है, जिसमें देश प्रदेश भर से हजारों लाखों की तादाद में जनसैलाब उमड़ेगा।